तो गाइज़ बहुत सारे बंदे यहाँ पर मुझे कमेंट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं कि भाई आपने यूट्यूब क्यों छोड़ दिया। तो आज उसी पे मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो लोगों को लगता है मैं यूट्यूब छोड़ दिया हूँ। तो मैं आपको आज क्लियर करूँगा कि मैंने यूट्यूब छोड़ा है, किस लिए छोड़ा है, कब तक छोड़ा है या फिर मैं रिस्टार्ट करने वाला हूँ। तो सारा कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ आज। तो वीडियो लास्ट तक देखते रहना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना अगर दिल करे तो। तो गाइज़ मैं फ़र्स्ट टाइम अगर बताऊँ तो आपको, मैंने 2019 के फरवरी में स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब। तभी मैं 11th में था, मेरा 12th आने वाला था, मतलब एग्ज़ाम होने वाले थे 11th के। तो फर्स्ट टाइम मैं यूट्यूब ओपन किया, मेरे पास कोई अच्छा सा फ़ोन नहीं था। 1 GB रैम का फ़ोन था जो कि माइक्रोमैक्स का था, उतना अच्छा चलता नहीं था, 3G का था। तो मैं वहाँ पर यूट्यूब पर गया, मुझे एक वीडियो मिली कि यूट्यूब से पैसे कैसे कमाते हैं। वो वीडियोज़ किसी यूट्यूबर की थी, वहाँ पर 30 मिनट की वीडियो थी। मैंने उसको सारा देखा, जितनी भी डिटेल्स यूट्यूब की थी सारा मैंने उस वीडियो से देखा। फिर मैंने सोचा मैं क्यों यूट्यूब स्टार्ट नहीं कर सकता, मेरे पास ऐसा क्या नहीं है। तो मैं वहाँ पर, मेरे पास उतना अच्छा फ़ोन नहीं था इसलिए मैं स्टेटस वगैरह डालता था तो उतना अच्छा रिस्पांस नहीं आता था। बट मैं वहाँ पर उससे 100-150 या 200 सब्सक्राइबर गेन कर चुका हूँ। मेरा एक चैनल था, उसका नाम कुछ था सॉन्ग्स रिलेटेड करके, ऑफिशियली करके कुछ, तो उसी पर मैं भी वीडियोज़ अपलोड करता था। फिर उसके बाद मेरा 12th आ गया तो मैं सोचा कि अगर मेरे को 12th का बोर्ड पास करना है तो मुझे यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अपना अच्छा खासा टाइम देना पड़ता है। फिर मैंने यूट्यूब को अक्टूबर तक ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब फरवरी में स्टार्ट किया और अक्टूबर नवंबर में मैंने ड्रॉप आउट करके फ़ोन वगैरह सब कुछ रख दिया, क्योंकि 5-6 महीने बाद मेरा बोर्ड का पेपर था। तो मैं स्टडी पर फोकस करने लगा। उसके बाद आप लोगों को पता होगा 2019 के बाद 20 आया था, 20 में कोरोना आया था। तो मेरे घर वालों ने कहा कि मैं आपको फ़ोन दिलाऊँगा, आप 12th पास करो अच्छे मार्क्स से। तो मैं यहाँ पर अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा, मैंने 60% तक मिले हैं मुझे। तो मेरे घर वालों ने बोला कि मार्च में तेरा रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुझे मैं फ़ोन दिला दूँगा। तो गाइस जो कोरोना की स्थिति थी उसमें आप जानते हो सबकी हालत ख़राब थी, तो उसमें मेरी भी फैमिली थी। तो मार्च में मेरा रिज़ल्ट नहीं आया, रिज़ल्ट मेरा जून में आया। और जब रिज़ल्ट लेट हुआ तो मोबाइल कॉल लेट होना तो ज़रूरी था, तो वहाँ पर मुझे फ़ोन नहीं मिला। फिर मैंने सोचा था मेरा 12th का एग्ज़ाम वगैरह हो जाएगा तो मैं फिर से यूट्यूब स्टार्ट कर दूंगा, जिससे मैं अपना कुछ कर पाऊँगा। फिर मेरे को फ़ोन जा कर के नवंबर में मिला था। जब मैं, जैसे ही मेरे को फ़ोन मिला उसी दिन से मैं वीडियोस अपलोड करने लगा। स्टार्ट में को थोड़ा दिक्कत हुआ लेकिन मैं स्टार्ट किया। फिर फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोज़ बना लगा, क्योंकि मेरे पास जो भी जस्ट फ़ोन है इसी फ़ोन को मैंने 2020 में परचेज़ किया था, जो कि बहुत ही अच्छा फ़ोन है, 6 GB रैम, 128 इंटरनल है, इसमें मेरे को वीडियोज़ बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी। तो गाइज़ आप पूछोगे कि रीज़न क्या है भाई तेरा यूट्यूब छोड़ने का, तो देखो भाई रीज़न ये है। सबसे पहला रीज़न आपको ये पता है कि जो फ्री फायर है वो बैन हो चुका है, फ्री फायर का जो मेन ऐप था वो बैन हो चुका है। उससे कितने लोगों ने यूट्यूब छोड़ दिया है, कितना क्रेज़ डाउन हुआ है, कितनी जो यूट्यूब की जो रीच थी वो डाउन हुई है यूट्यूब पर, फ्री फायर की रीच यूट्यूब पर डाउन हुई है, आप ये जान सकते हो। तो भाई उसका भी एक कारण था, बट उसका कारण इतना नहीं था। फिर मेरे घर वालों ने कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ सोचा कि यार अभी चलो कुछ और करते हैं, क्योंकि इसका रीच डाउन हो गया था, मेरा चैनल भी डाउन हो गया था। ऐसा नहीं है मेरा चैनल रीच में नहीं चल रहा था, मेरे चैनल पर ढाई ढाई लाख व्यूज आए हैं, तो मुझे उतना दिक्कत नहीं थी। बट जब किसी बंदे का यूट्यूब चैनल डाउन होता है तो उसको बहुत ही बुरा लगता है, तो वैसा ही मेरे को फील हुआ। फिर मेरा घर वगैरह कहीं रोड पर बनने लगा तो मैं वहाँ पर जाके रहने लगा। फिर मेरी आदत छूटने लगी यूट्यूब की, कोई भी आदत है जो कि आप अगर रेगुलरली नहीं करोगे तो वो छूटने लगती है, तो वही हुआ मेरे साथ, मेरी यूट्यूब की आदत छूटने लगी। मैं 3-4 महीने वहाँ पर, मेरा शॉप्स बनी मतलब मार्केट में, तो फिर मैं वहीं पर बिज़ी हो गया। फिर मेरे को यूट्यूब की ज़्यादा याद नहीं आई। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है अभी फिर स्टार्ट करेंगे जब टाइम मिलेगा। फिर मेरी सिस्टर की शादी थी जो कि मई में थी, तो उसकी स्टार्टिंग मैंने अप्रैल या उससे पहले से तैयारी होने लगती है। आपको पता होगा जो इंडियन शादी होती है उसमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है, तो वो भी एक रीज़न था। फिर उसके बाद 5-6 महीने अगर आप यूट्यूब से दूर रहते हो तो आपको फिर से वही चीज़ रिस्टार्ट करने में बहुत सारा टाइम लग जाता है। फिर मैंने शादी के बाद 1-2 वीडियोज़ अपलोड करी बट उस पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए मैं बहुत ही डिमोटिवेट फील करने लगा। बट उसके बाद मैंने सोचा कि चलो नहीं यार अभी क्या करते हैं, अभी जब आप ज़्यादा टाइम तक कुछ नहीं करते हो तो आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जिससे आपकी फैमिली भी आपको कहने लगती है कि भाई आप कुछ करता नहीं है, तो यूट्यूब से कुछ भी तेरा हुआ नहीं अभी तक, तो वही सब कारण था। तो अगर यही सब मैं इसी सब चीज़ को मैं सोच के यूट्यूब छोड़ा हूँ,
तो अगर आप चाहते हो कि मैं YouTube को रिस्टार्ट करूँ या फिर से वीडियोस अपलोड करूँ, तो यार मैं फ्री फायर से रिलेटेड वीडियोस तो अपलोड नहीं कर सकता क्योंकि उसका इतना रेज नहीं है और आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे नहीं। तो गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं YouTube फिर से स्टार्ट करूँ तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि मैं किस टॉपिक पर वीडियोस बनाऊँ और अगर मैं टेक चैनल स्टार्ट करता हूँ तो क्या आप मुझे सपोर्ट करोगे। तो गाइस आज का रीज़न यही था वीडियोस बनाने का, तो अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं YouTube फिर से स्टार्ट करूँगा अगर आप लोग कहोगे तो। यह था कुछ आज के वीडियो में, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो या फिर कुछ भी मेरे बारे में जान के अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो यही थी आज की वीडियो में, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।